अप वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि हम एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे करें अभी एनालिटिकल पैराग्राफ्स क्या होते हैं जिसमें जिसमें हमें क्या क्या मिले बारग्राफ्स पाईचार्ट या कोई भी डायग्राम्स की वीडियो सिनारी वगैरह सीन्स वगैरह तो आज मैं आपको उस चीज के भी टेम्पलेट्स देने वाली हूँ जिससे हम ये चीजें इजली कर लें ठीक है सो फर्स्ट एंड फोमोस्ट थिंग यहाँ पर तो पहले मैं आपको एक टेम्पलेट बताऊंगी कि जो हम हर तरीके के बार ग्राफ, पाई चार्ट में कॉपी कर सकते हैं एंड प्लस मैंने ऐसे ही टेम्पलेट्स वाली वीडियो एक ऐसे राइटिंग की बनाई है सो यू कैन गो एंड चेक दैट टू तो इसके ज्यादा टेम्पलेट्स तो नहीं है ऐसे की तरह क्योंकि ये हमें थोड़ा क्योंकि हमें थोड़ा प्रिसाइसली लिखना पड़ता है इस इसलिए इसके सिर्फ लिमिटेड टेम्पलेट है तो जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो कोई भी किसी तरीके का भी आ जाए तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सेम रहेगा जो कि रहेगा द Present graph demonstrates ठीक है क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा वो लिखेंगे हम सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा इट इज विजिबल इन द ग्राफ दैट या तो हम ये लाइन लिख सकते हैं या फिर हम ये लिख सकते हैं इफ वी लुक एट द ग्राफ और अगर आपके पास यहां डायग्राम होगी ग्राफ की जगह तो आप यहां ग्राफ की जगह क्या वर्ड लिखेंगे डायग्राम वी विल नोटिस दैट या तो आप ये लाइन लिख सकते हैं या फिर एक और लाइन बता देती हूं आप लिख सकते हैं लुकिंग नो no, आप लिख सकते हैं टेकिंग टेकिंग अ लुक एट द्राफ्ट या एट द डायग्राम जो भी आपको गिवन हो उस टाइम पे ठीक है तो इन तीनों में से या तो ये या फिर ये या फिर ये इन तीनों में से कोई भी एक लाइन लिख के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं थर्ड चीज चीज लिखेंगे द ग्राफ क्लियरली या एविडेंटली द ग्राफ क्लियरली डिपेक्ट दैट और उसको कंप्लीट करेंगे देन हम यहां कॉन्क्लूड कर देंगे सिर्फ यहां पे थ्री पैराग्राफ्स हमने लिखे ठीक है पैराग्राफ वन इसमें इंट्रो लिखेंगे ये हमारी बॉडी वन बॉडी टू मान लो ये बॉडी वन मान लो और ये बॉडी टू मान लो और यहाँ हमारा कॉन्क्लूजन आएगा ठीक है कॉन्क्लूजन को कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे हम उसमें हमने कुछ और टू रिकेपिचुलेट लिखा था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू एपिटोमाइज रिकेपिचुलेट कहाँ लिखा था हमने पैराग्राफ में ठीक है यहाँ पे टू हम क्या लिखेंगे हम टू एपिटोमाइज कॉमा एंड उसको कंक्लूड कर देंगे ठीक है तो ये हमारा बहुत ही सिंपल बेसिक और इजीएस्ट तरीका है कोई भी एनालिटिकल ग्राफ को सॉल्व करने का क्योंकि हमें ये चीज लिखने के ही अगर आपका फाइव मार्क्स का ग्राफ आ रहा है तो इसी चीज लिखने के ही आपको टू मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपका थ्री मार्क्स का है तो आपको वन पॉइंट फाइव सिर्फ इतना लिखने के मिलेंगे ही मिलेंगे और सबसे अच्छी बात ये है किसी भी तरीके के आप एनालिटिकल में ये चीज कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर सकते हो नो no मैटर आपको ग्राफ आए डायग्राम आए पिक्टोग्राफ आए बाई चार्ट आए बार ग्राफ आए या कुछ भी आए ठीक है तो ऐसा ही मैं आपको एक पाई चार्ट सॉल्व करके दिखा रही हूं अभी तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अभी हम क्वेश्चन हम लिखते हैं द मान लेते हैं आपके एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आ रहा है ठीक है द पाई चार्ट Below show the comparison of different kinds of energy production of France. इन टू ईर्स ठीक है तो यहां पर आपको हेडिंग दे दी कि कंपैरिजन हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ठीक है तो अब आपको दो यहां पर क्या दे दिए हैं पहचात ठीक है यहां आपको मेंशन कर दिया एक टेम्पलेट्स की हेल्प से हम इसको पूरा पूरे को फिल कैसे करेंगे मैं ये क्वेश्चन यहां नहीं लिख रही मैं क्वेश्चन आपके भी स्क्रीन पे टैप कर दूंगी ठीक है मैं सेम क्वेश्चन देखो ऊपर स्क्रीन पे टैप कर दूंगी सो so दैट मैं बार-बार फ्लिप ना करूं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे फर्स्ट लाइन इसको सॉल्व करने के लिए द प्रेजेंट ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट दैट दैट क्या लिखेंगे हम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ फ्रांस इन टू इयर्स पहली लाइन लिखी हुई है ठीक है पहली लाइन लिखी हुई है ना क्वेश्चन में ही मतलब हमें बताना की ये ग्राफ बता क्या रहा है तो क्वेश्चन से ही उठा के लिख रही हूं मैं ये सेम चीज डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कहा की एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ फ्रांस इन टू इयर्स ठीक है और अगर आपको ये भी नहीं लिखना तो आप कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ फ्रांस करके ऐसे भी लिख सकते हो ग्राफ किस बारे में बात कर रहा है ग्राफ किस बारे में बात कर रहा है किस बारे में बात कर रहा है वो चीज यहां लिखते हैं ठीक है आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कोई दिक्कत नहीं आई होगी ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की अब हम कह रहे हैं ग्राफ में इट इज विजिबल इन द ग्राफ मतलब क्या चीज आपको बहुत इजीली दिख रही है ठीक है तो हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे अब हम सेकेंड लाइन में इधर सेकेंड पारा में हमें पांचों चीजों के बारे में पांच चीजें हमें पांच चीज दी है ना हाँ पांच चीजें दी हैं तो अभी पांचों चीजों के बारे में हमें मेंशन करना है तो मान लो अगर मैं तीन चीजें यहाँ मेंशन कर रही हूँ तो दो चीजें यहाँ मेंशन करूंगी दो यहाँ मेंशन कर रही हूँ तो मैं तीन चीजें यहाँ बताऊंगी क्योंकि हमें कवर तो एक एक चीज के बारे में करना है ठीक है तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूं कि टेकिंग अ लुक एट द ग्राफ कॉमा न्यूक्लियर सबसे पहले मैं न्यूक्लियर को उठा लेती न्यूक्लियर था ना पास हाँ उधर टेन पॉइंट टेन परसेंट है तो मैं लिख सकती हूं कि न्यूक्लियर जो है दैट न्यूक्लियर इंक्रीज हुआ था थ्री परसेंट अप्रोक्स से ठीक है इन 2005 2005 में क्या हुआ तीन परसेंट अप्रोक्स से इंक्रीज हुआ तीन परसेंट अप्रोक्स इंक्रीज हुआ कर 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 दिया एक कर दिया एक मैंने ठीक है next भी कर देते हैं चलो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इधर है 1995 में 4.90 परसेंट अदर साइड है 9.10 पॉइंट परसेंट तो मैं लिखूंगी मोर ओवर हम ऐसे वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस को ऐसे ज्वाइंट करेंगे ना मोर ओवर अराउंड फोर परसेंट रोज रोज मतलब राइस राइस का सेकेंड फॉर्म रोज होता है ना रोज इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कि फोर परसेंट वो बढ़ा है किससे कितना बढ़ा है फोर पॉइंट नाइनटी से लेके कुछ नाइन पॉइंट टेन तक बढ़ा है ठीक है सेकेंड पॉइंट भी क्लियर मैंने यहाँ दो चीजों के बारे में कर दिया मतलब मैं बाकी तीन चीजें अपने इसमें इस मैंशन करूंगी बाकी तीन चीजें मतलब मैं इसमें मैंशन करूंगी है ना तो यहाँ पर क्या लिखा है द ग्राफ क्लियरली डिपेक्ट दैट कॉमा की कोल और गैस का देख लो इकट्ठे लिख दो देखो कोल और गैस में सिर्फ एक एक परसेंट है अप्रॉक्स है ना तो मैं अपनी लाइन को थोड़ा फ्रेस करने के लिए क्योंकि हमें वर्ड लिमिट भी सेट करके देनी होती है तो मैं लिख लूंगी ओनली वन परसेंट ओनली वन परसेंट इन फ्रॉम बोथ कोल एंड गैस मैंने आपको कंपैरिजन वाला पाई चार्ट बताया जो कि सबसे टफ होता है देखो उसको कितने सिंपल तरीके से लिख सकते हैं तो सपोज कराफ आते तो आप और कितना उसको भार के लिख सकते हो कि दो पॉइंट्स ऊपर लिख दिए दो पॉइंट्स नीचे लिख दिए दो पॉइंट अगर पांच पॉइंट्स हैं तो दो पॉइंट्स ऊपर तीन पॉइंट्स नीचे ठीक है तो मेरे को पांच कवर करने थे मैंने दो यहाँ पे कवर कर लिया एक न्यूक्लियर का लिख दिया और एक अपना अदर का लिख दिया अब यहाँ मैं देख रही हूँ कि कोल और गैस में एक परसेंट बढ़ा तो मैंने इसको एक एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया कि वन परसेंट इंक हुआ है दोनों में कोल और गैस में ठीक है किससे कितना हुआ है किससे कितना हुआ है एक में थर्टी पॉइंट नाइन्टी थ्री हो गया कोल में और थर्टी पॉइंट थर्टी वन हो गया उसमें तो मैंने ऐसे करके एक लाइन में लिख कि थर्टी पॉइंट नाइन्टी थ्री इसका बना है एंड थर्टी पॉइंट थर्टी वन इसका बना है इन टू थाउजेंड फाइव में अब मेरा एक रह गया अभी भी क्योंकि एक दो तीन चार अब मेरा एक और कौन सा रह गया पेट्रोल रह गया है ना पेट्रोल रह गया मेरा पेट्रोल जो लिखा हुआ है इस पाई चार्ट में तो ऑन द अदर हैंड मतलब मेरे अपने सेंटेंस को बढ़ाना भी है ये फ्रेजेस तो डालूंगी बीच में मैं ऑन द अदर हैंड मोर ओवर ठीक है तो पेट्रोल क्या लिखूंगी पेट्रोल कि पेट्रोल इज द ओनली सोर्स देखो अच्छे से देखो ये पाई चार्ट में कि सिर्फ पेट्रोल ही डिक्रीज हो रही है तो लिखूंगी पेट्रोल इज द ओनली सोर्स विच डिक्रीज किससे क्या डिक्रीज है ये फ्रॉम ट्वेंटी नाइन परसेंट फ्रॉम डिक्रीज from ट्वेंटी नाइन पॉइंट कि देखो पहले ट्वेंटी नाइन पॉइंट ट्वेंटी सेवन परसेंट था इन नाइनटीन नाइनटी फाइव में ठीक है जो कि कितना हो गया टू नाइनटीन पॉइंट फिफ्टी फाइव हो गया तो ये मैंने अपना पांचवा पॉइंट भी ख़त्म कर दिया ठीक है तो अब मैंने अपनी पांचों चीज़ें इधर खत्म भी कर दी अब बात आ गई भाई मेरे कॉन्क्लूजन की भाई मैं कॉन्क्लूजन में कहना क्या चाहती हूँ तो मैं कॉन्क्लूजन में ऐसा लिख कर कह सकती हूँ कि सब कुछ इंक्रीज हुए हैं सिर्फ एक चीज डिक्रीज हुई है कह सकती हूँ ना तो मैं ये कह देती हूं कि तो मैं अपना टू एपिटोमाइज में क्या लिख सकती हूँ कि रेस्ट कि पहले ऐसे लिख सकते हैं टू एपिटोमाइज पेट्रोल वाज़ द चलो लिख ही देते हैं petrol was the only energy petrol was the only energy which decreased rest rest

या फिर ऐसा करके भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा करके लिख सकते हैं कि पेट्रोल मोस्ट मोस्ट या फिर पेट्रोल जो है वही सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, रेस्ट जो है सब कुछ इंक्रीज हुआ है ठीक है या और लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंक्रीज का जो रोल है जो अदर्स है देखो दो चीजें लिख सकते हैं एक तो हमने ये लिख दिया और या फिर अगर ये नहीं लिखना इन केस तो हम ये लिख सकते हैं बहुत ही क्लियर सिंपल लैंग्वेज में कि सबसे ज्यादा इंक्रीज हमारा हुआ है ये अदर वाला और डिक्रीज हमारा ये हुआ है पेट्रोल खत्म सबसे हाई इंक्रीज दिखा दो और सबसे डिक्रीज दिखा दो या फिर इस तरीके से लिख लो कि पेट्रोल एक ये एक एनर्जी जो डिक्रीज हुई बाकी सब इंक्रीज हुए हैं कंक्लूजन में तो यही दोगे ना आपको पता क्या चला ठीक है तो इस तरीके से हम एनालिटिकल ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं और हमें इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि हमारे टेम्पलेट्स ही बहुत नाइस nice हैं हमारा लिखने का तरीका एक बहुत ही सिस्टमैटिक हो गया यहाँ पर ठीक है सो दैट्स इट फॉर टूडे वीडियो थैंक यू